हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपके अपने यूट्यूब मैकेनिक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं राजस्थान के जलावड़ ज़िले से हूं और झालरापाटन में मेरी शॉप है। आज ये हमारे पास जनरेटर आया हुआ है। ये इसमें जीटर का इंजन है, इस पर जनरेटर बना हुआ है। तो इसमें हम बात करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हमारे पास आया है। वैसे तो ये गुजरात का है, पर यहाँ गुजरात की कोई कंपनी है, हाईवे बना रही है हमारे पास में, तो उनका ये ट्रैक्टर है। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम है कि ये ट्रैक्टर दब रहा है, ट्रैक्टर क्या, ये जनरेटर दब रहा है। और इसमें दिक्कत है कि इसमें जो ये नली है, इसमें से डीजल निकलता है। आप देख सकते हैं अभी भी इसमें डीजल है, ये मेरी उंगली डीजल में होगी। जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं, और स्टार्टिंग में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्लीट स्टार्ट हो रहा है। अभी हम आपको इसको कोशिश करेंगे कि ये स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट करके हम इसको आपको दिखाएंगे स्टार्ट में क्या पोजीशन रहती है इसकी। दोस्तों, हम इसको एक बार आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे। ये इसमें स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी स्टार्टिंग बिल्कुल एक नंबर है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी जो स्टार्टिंग है वो बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है। ये आप चाबी में स्टार्ट हो रहा है और ना ही ये धुआं दे रहा है। आप देख सकते हैं साइलेंसर की तरफ, इसमें धुआं भी बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने आपको स्टार्ट करके दिखाया कि इसमें स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही ये धुआं दे रहा है। तो आखिर इसमें क्या वजह है कि ये ट्रैक्टर दब रहा है, तो उसी विषय में हम आज बात करेंगे। वैसे हम जब इसको फील्ड में चेक करने गए थे तो इसमें यहाँ से डीजल टपक रहा है, ये देख रहा है। अभी मैंने इसको स्टार्ट किया और जैसे मैं इसका एक गेज खोलूँगा तो इसमें से डीजल निकलेगा बहुत ज़्यादा। तो हम इसका एक गेज खोलते हैं, अभी आप देखना इसमें गेज खोलते हैं, इसमें डीजल आएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें डीजल मिलने की वजह से ऑयल ज़्यादा हो चुका है। तो ये हमारा जो गेज है, ये यहाँ इस जगह रहना चाहिए इसमें ऑयल, ये दूसरे कट के यहाँ। अभी ये फुल हो चुका है, यहाँ तक आ चुका है। तो इसमें कुल मिला के इसमें इंजन में डीजल मिल गया है। तो हम इसकी प्रॉब्लम ढूंढेंगे और आपको भी बताएंगे कि किस वजह से इसमें डीजल मिला है। वैसे तो पंप की जो सील है, यहाँ से भी डीजल मिल सकता है या नोजल के द्वारा इसमें डीजल मिल सकता है। तो एक बार हम इसके टेबिट को खोल के चेक करेंगे, और दूसरी बात हम इसका पंप भी खोल सकते हैं, वो जो भी होगा हम आपको बता देंगे इसमें आखिर क्या वजह है। तो हम इसके टेबिट कोर खोल लेते हैं एक बार। दोस्तों, हमने इसका एक टेबिट कोर खोल लिया है, अब हम इसका एक और टेबिट कोर खोलेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी जो ये बंसरी है, ये इसकी टेबिट चिड़िया में से निकल चुकी है, और एक में इसमें बंसरी नहीं है, या तो इसकी बंसरी टूट के अंदर गिर गई है, या फिर जो भी होगा। अभी हम इसकी साइड की प्लेट खोल के आपको दिखाएंगे। खोल तो भैया प्लेट। तो दोस्तों, इसमें ये वजह है और बहुत ही इसमें छोटी वजह निकली है, पर इसमें हम इसको देखेंगे ये स्टार्ट क्यों हो रहा था। फिर स्टार्टिंग इसकी बिल्कुल ओके है, तो आखिर हम इसको चेक करेंगे इसकी स्टार्टिंग ओके कैसे। एक बार मैं और आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा। अभी मैं इसकी प्लेट खोल लेता हूं। दोस्तों, हमने इसकी ये प्लेट खोली है, तो आप देख सकते हैं इसकी जो ये बंसरी है ये टूट के अलग हो चुकी है। ये वाली बंसरी जो है, इसकी ये टूट के दो हो चुके हैं इस बंसरी के। मैं आपको ये इधर आ चुकी है, तो ये नीचे से टूट चुकी है बंसरी। तो इस वजह से हमारा जो एक सिलेंडर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, पर ये स्टार्टिंग में इसमें कोई दिक्कत नहीं थी और बहुत अच्छे से स्टार्ट हो रहा है। तो एक बार हम फिर उसको स्टार्ट करके देखेंगे कि ये इसी तरीके से स्टार्ट होता है या नहीं होता है। जो भी होगा, ऐसे होना तो चाहिए क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ, तो फिर स्टार्ट होगा ये। तो एक बार मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। कर भाई तू स्टार्ट कर, मैं इसका चोक वायर। तो दोस्तों, हम इसको स्टार्ट करेंगे, इसकी स्टार्टिंग की क्या प्रॉब्लम हो रहती है। तो दोस्तों, आप
आपने देखा ये स्टार्ट हो रहा है कंप्लीट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये यहाँ से मैं डीजल निकल रहा है। बाकी इसमें धुआं वगैरह कुछ भी नहीं है, तो एक छोटी सी वजह से। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने जब इसको स्टार्ट किया तो ये स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं, इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टार्ट हो रहा है। और इसमें क्या प्रॉब्लम आई है और किस वजह से इसमें डीजल इंजन में उतरा है उसका मैं आपको कारण बताता हूँ कि ये बंसरी टूटने की वजह से हमारी जो टेबिट चिड़िया है, हम इसको बंसरी बोलते हैं और फुसराड़ भी बोलते हैं, जो इसकी ये रॉकेट शाफ्ट है, हम इसको टेबिट चिड़िया भी बोलते हैं और रॉकेट शाफ्ट भी बोलते हैं। तो ये इसका वाल दबना बिल्कुल बंद हो गया है, तो नोजल तेल दे रही है, वाल इसके दोनों बंद हैं, तो इसका तेल जो है जल नहीं पा रहा था। तेल नहीं जलने के कारण से इसका जो तेल है वो सारा इंजन में नीचे उतर गया है, तो इस वजह से इसमें इंजन में डीजल मिल चुका है। वैसे हमें इसकी सर्विस भी करना पड़ेगी, क्योंकि इसमें ये जो इसकी पाइपें वगैरह है सब, इसकी लीकेजिंग वगैरह सब हमें इसको बंद करना है। तो हम इसकी पूरी अच्छी तरीके से सर्विस कर लेते हैं और इसकी जो लीकेजिंग है उसको बंद कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें एक ये पुसराड लेके आएंगे, पुसराड लेके और डालेंगे इसको। पुसराड तो हमें दोनों डालना पड़ेगी, क्योंकि इसमें भी बेंड आ चुका है, आप देख सकते हैं किसी ये भी तिरछी होकर चली है, तो इसमें भी बेंड आ चुका है, तो हमें इसकी दोनों पुसराड डालना पड़ेगी। तो इसकी जो भी लीकेजिंग है हम उसको बंद करेंगे, बंद करके इसका ऑयल चेंज करके और आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे। वैसे तो ये कम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसकी मेन वजह आपको बताई थी कि इसमें क्या वजह थी, कि मेन वजह कि ये जो पुसरोड है, हम इसको पुसरोड ही बोलते हैं और बंसरी बोलते हैं, तो ये इसकी टूटने की वजह से इसमें सारी प्रॉब्लम आई है। तो एक छोटी सी वजह से हमारा जो इंजन है उसमें दिक्कत आ चुकी है। प्रॉब्लम मैंने आपको बताई दी कि किस वजह से हमारा जो इंजन में डीजल उतरा है, इसके दोनों वाल काम नहीं करने की वजह से हमारा जो नोजल, इंजन स्टार्ट होते ही नोजल तेल देती है, तो पिस्टन पे तेल इकट्ठा होने के बाद पिस्टन पे तेल जला नहीं, तो पिस्टन पे तेल नहीं जलने के कारण वो सीधा इंजन में चल गया है, इसी वजह से इसमें प्रॉब्लम आई है। वैसे बहुत सी बार हमारे पंप की वजह से भी ये डीजल उतर जाता है, पंप की जो कैम की सील रहती है वो सील कटने की वजह से भी हमें दिक्कत आ जाती है। ऐसे इसमें ये वो चीज़ नहीं है, तो हम इसकी पूरी अच्छे तरीके से लीकेजिंग बंद कर लेते हैं। ये पाइप वगैरह सब हमें इसकी चेंज करना है, इसकी टंकी वगैरह सब साफ़ करके और दोनों हम मैंने इसमें बंसरी ला के और नई डाल के आपको स्टार्ट करके चेक करके दिखाएंगे। बिल्कुल ये कंप्लीट स्टार्ट होगा, और स्टार्ट तो ये वैसे अभी भी हो रहा है, पर इसमें एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम निकली है और बहुत अजीब प्रॉब्लम निकली है, तो जल्दी से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको इसको स्टार्ट करके दिखाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, उससे हम जो भी नई वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो मैं आपको इसको खोल के तो दिखा देता हूँ, खोल दो एक बार इसको खोल के, इसकी बंसरी वंसरी निकाल के हम बाहर निकाल लेते हैं इनको। दोस्तों हमने इसको ये दोनों डेविड चिड़िया, जिसको हम रॉकेट शाफ्ट भी बोलते हैं, इनको हमने बाहर निकाल लिए, तो आप देख सकते हैं इसकी एक बंसरी बिल्कुल अलग हो चुकी है, जिसको हम पुसराड़ भी बोलते हैं। तो कभी कभी ट्रैक्टरों में ऐसी भी दिक्कत आती है, वैसे अगर इसका एक सिलेंडर काम नहीं करता है तो ट्रैक्टर एक सिलेंडर की आवाज़ निकालता है, जैसे ये दो सिलेंडर है तो ये एक सिलेंडर आवाज़ निकालता है, और तीन सिलेंडर है तो दो सिलेंडर की आवाज़ निकालता है, पर इसमें आवाज़ में बिल्कुल चेंजिंग नहीं थी। तो बहुत सी बार, हर बार अलग अलग प्रॉब्लम है निकलती है ट्रैक्टरों में, तो मैं इसकी ये दोनों पुसराड़ें चेंज करनी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तो इसकी ये पुसराड़ और एक ये दोनों पुसराड़ चेंज करना पड़ेगी, और एक इसकी ये जो टेबिट चिड़िया है जिसको हम रॉकेट शाफ्ट भी बोलते हैं, तो ये यहाँ से कट चुकी है। तो अगर हमें अगर ये नई मिल जाएगी कम्प्लीट, तो हम इसको नई डालेंगे, और हमें इसकी एक जनरल सर्विस करना है, तो हम इसकी सर्विस कर लेते हैं, और इसकी जो भी जहाँ भी इसमें लीकेजिंग है वो सब हमें इसको बंद करना है। वैसे हम इसका एक बार आपको ऑयल निकाल के दिखाते हैं कि इसमें कितना ऑयल निकलता है, हम इसको अच्छी तरीके से इसकी सर्विस कर लेंगे, और हम इसकी दूसरे नंबर की टेबिट चिड़िया भी खोल के इसकी रॉकेट शाफ्ट भी चेक कर लेंगे,
इनमें कहीं बैंड वगैरह तो नहीं है, तो हमें इसकी पूरी अच्छी तरीके से सर्विस करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें कितना प्योर डीजल बन चुका है। इसमें जो ऑयल था वो बिल्कुल डीजल बन चुका है, क्योंकि इसमें डीजल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो हम इसका ये चैम्बर भी खोलेंगे और इसके जो कनेक्टिंग के मेन रहते हैं या बिगेन रहते हैं उनको भी हम चेक करेंगे, क्योंकि डीजल में हो सकता है ज़्यादा समय ये चलाओ तो उसकी वजह से इसमें उसके जो बिगेन है या मेन है अगर वो उसमें कुछ दिक्कत आ गई होगी तो वो भी हम चेंज करेंगे। ऐसे हम उसको खोल के चेक कर लेंगे, अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी तो उनको वापस लगा देंगे। और इसकी जो भी इसकी ये पाइप वगैरह है सब हमको चेंज करना है। तो दोस्तों आपने देखा कि एक कितनी सी छोटी सी वजह से भी हमारे इंजन में दिक्कत आ सकती है, और ये वजह बहुत ही कम आती है वैसे तो, पर हर बार कुछ न कुछ हमें भी कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ऐसी प्रॉब्लमें आती रहना चाहिए ताकि हमें भी सीखने को मिले, और हम इसी वीडियो के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से हम आपको भी बता सकें कि ट्रैक्टर में कितनी तरह की प्रॉब्लम आती है। हर बार अलग ना अलग प्रॉब्लम आती है डीजल उतरने की, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। तो उनमें से एक प्रॉब्लम ये भी है कि इस वजह से भी ट्रैक्टर में डीजल उतर सकता है, हमारे इंजन में डीजल उतर सकता है। तो दोस्तों हम जल्दी से इसकी सफाई करके इसकी सर्विस करके इसको कंप्लीट कर लेते हैं, और दो फुसराड ले आते हैं, एक टेबल चिड़िया ले आते हैं, उसके बाद हम आपको इसको लगा के और स्टार्ट करके दिखाएंगे। हमने इसका ये चैम्बर खोल के और इसकी ये कैप खोली है, तो इसकी कैप बिल्कुल ओके है और इसकी जो ब्रास है वो भी कंप्लीट है। तो हम इसको लगा देंगे वापस, और मैं आपको इसकी क्रेन भी दिखाता हूँ। इसकी क्रेन भी ये कंप्लीट है, इस पर कोई स्क्रैच नहीं है। तो हमने इसका चैम्बर खोल के और इसको कंप्लीट करके इसको चेक किया है कि डीजल में चलने की वजह से इसमें स्क्रैच तो नहीं आए हैं, तो ये बिल्कुल ओके है। तो हम इसको वापस ऑयल लगा कर इसकी कैप लगा देंगे, इसको फिट कर देंगे, उसके बाद हम इसके पुशराड वगैरह लगाएंगे। हाँ तो दोस्तों हम इसकी ये नई परचेज करके लाए हैं, दो तो इसकी ये बंसरी है, इसको पुशराड बोलते हैं, तो ये दोनों हम नए डालेंगे। और इस पुशराड की वजह से हमारा जो इंजन है वो फेल हुआ था, इसमें डीजल उतरने की प्रॉब्लम आई थी। और एक ये चिड़िया भी हम नई लेकर आए हैं, ये इसको रोकर शाफ्ट बोलते हैं, तो ये टेबल चिड़िया भी हम नए डालेंगे। और हम नए ला के हमने इसमें इसको फिटिंग कर लिया है, अब हम इसको ट्रैक्टर में मतलब इंजन में लगा देंगे। तो ये इस वजह से जो हमारी इंजन में जो दिक्कत आई थी वो अब शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो जल्दी से हम इसको फिट कर लेते हैं, फिट करके आपको स्टार्ट करके एक बार इसको फिट करने का वीडियो बता देंगे, और एक बार इसको स्टार्ट करके चेक कराऊंगा बिल्कुल। हाँ तो दोस्तों हमने इसकी ये टेबिट चिड़िया लगा ली है और इसके अच्छी तरीके से इसको टाइट कर लिया है, अब हम इसके टेबिट सेट करेंगे। तो टेबिट सेट करने के लिए मैं इसको इंजन को सीधी दिशा में घुमा के और इसका प्लंजर टॉप पे ले लिया है ये एक नंबर, तो इसी जगह हम इसका ये टेबिट सेट कर देंगे। हाँ तो दोस्तों हमारा ये HMT का जो इसमें इंजन था जो जीटर में लगा हुआ था, तो ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम उसको आपको स्टार्ट करके चेक कराएंगे। इसमें प्रॉब्लम थी कि इंजन में डीजल मिल रहा था, तो वो प्रॉब्लम ने इसकी शॉर्ट आउट कर दी है। अब हम इसको एक बार स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये स्टार्ट हो चुका है, अभी कंप्लीट स्टार्ट हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही ये धुआं बता रहा है, आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी धुआं नहीं है, तो बिल्कुल ओके हो चुका है अभी। ये इसका ऑयल मीटर है, इसका ऑयल मीटर चालू है, इसकी इसका वाटर मीटर है, ये भी हमने इसकी चालू कर दिया दोनों। तो दोस्तों ये बिल्कुल ओके हो चुका है अभी, और हमने इसमें दोनों पुशराड और एक टेबिट चिड़िया डाली है, और मैंने इसका टेबिट का वीडियो भी बनाता मैं, पर इसमें मेरे पास टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने इसका टेबिट का वीडियो नहीं बनाया। वैसे अगर आप चाहो तो इसमें ये प्लेट खोल के
प्लंजर जब नीचे जाके ऊपर आता है उसी समय उसी तरीके से मैंने इसके टिविट मिलाए हैं। तो इस तरीके से मैं हमने इसको कंप्लीट किया है। एक छोटी सी दिक्कत से हमारे ट्रैक्टर में डीजल उतर गया था और वो हमने प्रॉब्लम बिल्कुल उसकी कंप्लीट कर दी है। और मैंने हमने इसकी जनरल सर्विस भी करी है और ज़्यादा समय डीजल में चलने की वजह से इसके बिगेन ख़राब नहीं हो जाए, इसलिए हमने इसके बिगेन भी चेक करें। दोस्तों अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, उससे हम जो भी नई वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो एक बार मैं और आपको इसको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये हल्की सी टल्ली में स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल हल्के से राउंड में, और इसकी बहुत बढ़िया स्टार्टिंग है, इसको स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बिल्कुल अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको 2-5 घंटे इसको रवा करके और फिर इसके एक बार और टेबिट सेट करेंगे। टेबिट सेट करके और जिसका ठेकेदार है, ये जो इसका मालिक है, उसको संभला देंगे। दोस्तों अभी तक के लिए यही, फिर कोई नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।